वाह 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 वाह, क्या बना है? समंदर के बाब, ये कबाब और टिक्के। अस्सलामुअलैकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मनोड़ा बीच पर और काफ़ी टाइम हो गया था, आउटिंग नहीं की थी तो सोचा कि थोड़ा सा आउटिंग हो जाए। और मनोड़ा बीच पर आने के बाद भूख बड़ी टाइट लगती है। मतलब आप ये सोचें कि मतलब आप समंदर पे आएँ और आपके पास खाने को कुछ नहीं हो तो आप समझ लें कि बिल्कुल एम्प्टी हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो आज हम मनोड़ा बीच के आपको थोड़े से साहिल के भी नज़ारे कराएँगे और दूसरा बारबेक्यू करेंगे। तो बारबेक्यू में तो आप लोग साथ नहीं होंगे, मगर ये कि कम से कम हम लोग ज़रूर खा लेंगे। हमारी पूरी एक मतलब के दोस्त यार हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम बारबेक्यू बनाएंगे और उसके बाद फिर हम उसको खाएंगे। तो आइए बारबेक्यू का पूरा प्रोसेस दिखाते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि समंदर पर जब आप आते हैं तो खाने का कितना मज़ा होता है। तो चलिए मेरे साथ। तो जनाब, ये बारबेक्यू इस वक्त तैयार किए जा रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले इसमें मसाले लगाए थे और एक भाई ने जो है इसमें कोयले गरम किए और दूसरे ने जो है वो सारा गोला कबाब को भूना और तीसरे ने जो है वो मतलब खीरे काटे, प्याज काटी। और अब जो है मेरे सामने बिल्कुल ये समंदर है, ये बेहतरीन सा व्यू है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ, इस व्यू के साथ साथ आपको ये टिक्का देखने को मिलेगा जो कि इस वक्त तैयार हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसकी तैयारी मुकम्मल हो रही है, तब तक इंतज़ार करें और फिर उसके बाद जब मुकम्मल होगा फिर हम आपको मज़ीद दिखाएंगे। और ये हमारी हाफ़ फ्राई है, ये हाफ़ फ्राई है जो कि हमने कंप्लीट कर ली है, ये बन चुकी है। समंदर के बाद जब आप ये टिक्के देखते हैं तो आपके मुँह में ज़रूर पानी आ गया होगा, लेकिन माजरत के साथ ये अभी मैं आपको खिला नहीं सकता, ये सिर्फ़ हमारे लिए है। जी अभी हम लोगों ने टिक्के शिक्के बना लिए हैं, अब थोड़ा सा जगह का डिसाइड कर रहे हैं कि गरीबों के पास बैठ के खाना है या फिर हमने जो है वो मतलब समंदर के पास। तो यारू ने मुझे कहा है कि जी समंदर के पास बैठ के खाने का एक अपना अलग ही मज़ा है। यारू को आप जानते हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, हमारा दोस्त भी है। और इस वक्त हम चूँकि छुट्टी थी तो हम थोड़ा सा पिकनिक पॉइंट पर आ गए, थोड़ा सा पार्टी मनाने के लिए आ गए। तो अभी हम टिक्के हमारे रेडी हो गए, बस वो समझ लें कि बस तैयारी चल रही है और उसके बाद फिर हम जो है वो सोच रहे हैं कि गज़ीबों में जाएं या फिर नीचे जाएं। लेकिन यारू ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि हम जो है वो नीचे रेत पर बैठ के खाएंगे, समंदर की मौजें भी देखेंगे और टिक्का भी खाएंगे। यारू, ये ख्याल कैसे आया आखिर आपको? ये गज़ीबों पे खाने का मूड हो रहा था मेरा, तो अचानक एक दोस्त ने बताया, बोलते हैं गज़ीबों पे नहीं खाओ। मैंने कहा यार गज़ीबों पे खाते, फिर अचानक ख्याल आया, मैंने कहा यार समंदर के पास खाते, पानी उतरने का टाइम है, मज़ा ही अलग आ जाएगा तेरा गोला कबाब खाने का और टिक्का खाने का। टिक्का वैसे अच्छा है, मतलब खुसूसी लेके आए हो बंदे को या फिर मतलब वैसे ही होगा बंदे का? एक कुरमाड़ा का मशहूर हम जो है ना राइडर लेके आए टिक्का का, कुरमाड़ा का। तो अच्छा, हमने कहा उससे लेके आए, हमने कहा भाई आपने जरा बना बना के दो और हम खाएंगे, अच्छी क्वालिटी इंजॉय कर रहे हैं। तो चले जी तैयारी करते हैं, बस थोड़ी सी देर लगेगी, फिर उसके बाद तैयारी करके फिर हम आपको बताते हैं टेस्ट कैसा था। चलें, टिक्के तो रेडी हो गए हैं, अब सिर्फ गोला कबाब की बारी है और जैसे ही गोला कबाब बन जाएंगे तो उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। बज़ाहिर ये टिक्के जो है हमें ना तो ज़्यादा जले हुए लग रहे हैं और ना ही ज़्यादा मतलब कि कच्चे लग रहे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा ही बनाएँ। और इसको फौरी तौर पर हम लोग जो है वो रख देंगे उसके बाद, क्योंकि रोटियाँ हमने मंगाई नहीं है, जब रोटियाँ आ जाएंगी तो उसके बाद फिर हम इसको खोलेंगे। बस ये तैयार हो चुके हैं, नीचे दस्तरखान लगा दिया हमने और ऊपर की तरफ जो है हम लोग थोड़ा सा खड़े हुए इसलिए हैं कि सबसे पहले जो है वो ट्राई हम करेंगे, वो भले इंतज़ार करते रहें, पहले यारू और मैं ट्राई करेंगे। जी ये बताइएगा, थोड़ा सा टेस्ट करवाएं अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो, अभी आपको यहाँ से चेक करवाएँगे अभी, क्योंकि बर्दाश्त हमसे नहीं हो रहा,
पहले चेक तो करें ये बनाया ऐसे ही है या बस मतलब अच्छा भी बनाया है या ऐसे ही है। पहले यारू को टेस्ट कराएंगे, आपको अच्छा लगेगा टेस्ट। ये सबसे पहले हम यारू को टेस्ट कराएंगे। बहुत प्यारा मोहसिन भाई, बेहतरीन। वाह 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 वाह, अच्छा बनाया। समंदर के बाब, ये कबाब और टिक्के ना ज़्यादा तीखे ना ज़्यादा फीके हैं, ऐसे हैं बिल्कुल ज़बरदस्त। इतना मज़ा आ रहा है इसको खाने में, मैं तो कह रहा हूँ कि यही शुरू हो जाते हैं हम लोग, बजाय के उनको इंतज़ार करने से। चले जी अब नीचे चलते हैं। बहुत खूब बनाए, बहुत ज़बरदस्त बनाए। अब कैटरिंग का क्या नाम है आपकी? मकबूल कैटरिंग इनका नाम है। अगर आपने बारबेक्यू वगैरह बनवाने हो तो इन भाई को जो है वो बता दीजिए। नंबर क्या है आपका? नंबर है 0315। एक मिनट आप बोले। 0315-1222-595। हमारा हर जगह पे काम चलता है, ऑलराउंडर। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त बनाए जी। अगर छोटी मोटी पिकनिक के लिए अगर आपने इनको बुलाना हो तो ये आ जाएंगे, और बहुत ज़बरदस्त बनाए। तो चलें, चलते नीचे। समंदर का किनारा है, बारबेक्यू है और हम लोग हैं। फाइनली हमने सारा सामान समेट लिया है और पिकनिक हमारी पूरी हो गई है, और जाने का दिल नहीं कर रहा क्योंकि ये जो मंज़र मैं देख रहा हूँ ये बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मंज़र है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यारू खान ने की दरख्वास्त पर हम यहाँ पर आए थे और थोड़ी सी पिकनिक भी हो गई, थोड़ा हल्ला गुल्ला कर लिया और थोड़ा सा खाना पीना भी खा लिया, तो बड़ा अच्छा लगा जी। आप लोग भी ज़रूर आएँ, और इस तरह की गैदरिंग से ये होता है कि आप लोग अपनी जो ज़ाती जो ज़िंदगी की मसरूफियात होती है उसको भुला कर अपनी लाइफ के बारे में आप सोचते हैं, और अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए इस तरह की एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, क्योंकि हमने जो खाना यहाँ पर खाया था रेत पर, सारा सामान हमने वही समेट कर अपने साथ लेकर गए हैं, यानी कि लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सुजुकी में हमने जो भी हमारा सामान था वो सारा का सारा हमने समेट कर अब अपने साथ लेकर जाएंगे। रास्ते में अगर डस्टबिन नज़र आ गया तो डस्टबिन में डाल देंगे, वरना फिर अपने साथ ही ले जाएंगे। तो आप लोग भी आएँ, खाना वगैरह खाएँ, सब कुछ इन्जॉय करें, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो चीज़ आप अपने साथ लेकर आते हैं वही चीज़ आप अपने साथ लेकर जाएं। अगर डस्टबिन आपको मिलता है तो डस्टबिन में डाल दें, वरना आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि ये साहिल की खूबसूरती, अगर यहाँ पर कचरा ना हो तो ही हो खूबसूरती इसकी है, अदरवाइज़ तो ये बिल्कुल ऐसा ख़राब साहिल लगेगा कि आपका ख़ुद भी दिल नहीं करेगा यहाँ बैठ कर खाना खाने को। तो चलते फिरते को दीजिए ज़्यादा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।